नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आज है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, जाने इसका महत्व। वर्ल्ड रोबोटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के बच्चे रहे फर्स्ट रनर अप। आंगनवाड़ी के बच्चों को पढ़ाएंगे सरकारी स्कूल के शिक्षक। बिहार के पूर्व विधायक महेंद्र झा आजाद का निधन, सीएम नीतीश ने जताया शोक। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले ओडीआई की जीत के है ये 5 हीरो। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, जाने इसका महत्व। आज के दिन को यानी कि 28 जुलाई को लोग विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। बता दें कि इस दिन लोग प्रकृति संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं। अगर हम इसके महत्व की बात करें तो यह हम सभी जानते हैं कि पिछले कई सालों से जलवायु परिवर्तन हमारे लिए एक गंभीर मुद्दा है। ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन और विलुप्त हो रहे प्रजातियां प्रकृति में भारी असंतुलन पैदा कर रही हैं। ऐसे में हमारा कर्तव्य है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज की सुरक्षा करें। इन सब के अलावा हमें यह भी कोशिश करनी चाहिए कि हमारी आदतों और हमारे आराम की वजह से पृथ्वी पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। बता दें कि आज के दिन लोगों को प्रकृति के संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा सके, इसके लिए कई तरह के कार्यक्रम और सेमिनार भी आयोजित किए जाते हैं। मुहर्रम को लेकर 6 जिलों में अर्धसैनिक बल तैनात। बिहार में प्रशासन मुहर्रम को लेकर अलर्ट मोड में है। प्रशासन के द्वारा सुरक्षा को देखते हुए सारे प्रबंध चाक चौबंद रखे गए हैं। इन सब के अलावा प्रशासन की नजर सोशल मीडिया पर भी बनी हुई है, ताकि किसी भी तरह के भड़काऊ मैसेज पर नजर रखी जा सके। बता दें कि एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा पुलिस मुख्यालय सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया गया कि मुहर्रम को लेकर राज्य के 6 जिलों में अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं, जिनमें बिहार की राजधानी पटना समेत नालंदा, रोहतास, भागलपुर, सिवान और दरभंगा शामिल है। मालूम हो कि इन सभी जिलों में अर्धसैनिक बल की 6 कंपनियां तैनात की गई हैं। उन्होंने बताया कि पूरे राज्य में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी जिलों में बीसैप की 24 कंपनियां तैनात कर दी गई है। क्विक रिस्पांस टीम और अग्निशमन की टीमों को भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में रखा गया है। बिहार के 12 ट्रैफिक जिलों में मैनुअल चालान बंद। एडीजी ट्रैफिक सुधांशु कुमार के द्वारा बिहार पुलिस मुख्यालय के सभागार में संबंधित पुलिस कर्मियों के बीच 638 एचएचडी का वितरण व इसके संचालन का प्रशिक्षण देते हुए यह घोषणा की गई है कि 1 अगस्त से राज्य के 12 ट्रैफिक जिलों में मैनुअल चालान बंद हो जाएंगे, यानी कि अब ऑटोमेटिक या हैंड हेल्ड डिवाइस के जरिए ई चालान काटी जाएगी। एडीजी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पहले चरण में स्मार्ट सिटी योजना के तहत 4 शहरों बिहार की राजधानी पटना, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ और भागलपुर में कैमरों के मदद से ही ई चालान काटे जा रहे हैं। वहीं अब आरा, छपरा, गया, दरभंगा, मुंगेर, बेगूसराय, पूर्णिया और कटिहार जैसे जिलों में भी शुरू किए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ई चालान से जुर्माना वसूली में पारदर्शिता आएगी और साथ ही एक डाटाबेस भी तैयार हो सकेगा। वर्ल्ड रोबोटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के बच्चे रहे फर्स्ट रनर अप। 25 से 27 जुलाई तक देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड रोबोटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के राजधानी पटना के श्रीकृष्ण विज्ञान केंद्र की अर्धबोटोस टीम के द्वारा रोबो सॉकर चैलेंज में फर्स्ट रनर अप का खिताब अपने नाम किया गया। इस दौरान उन्हें सिल्वर मेडल, प्रमाण पत्र और 50,000 रुपए की पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया गया। बता दें कि इस वर्ल्ड रोबोटिक्स चैंपियनशिप में रोबो सॉकर चैलेंज में भाग लेने के लिए विभिन्न देशों से 200 टीमों ने भाग लिया था। मालूम हो कि चैंपियनशिप में अलग अलग तरह के कॉम्पिटिशन हुए हैं, जिसमें बिहार के पटना के श्रीकृष्ण विज्ञान केंद्र से कुल 4 टीम ने इसमें भाग लिया था, जिसमें 8 बच्चे थे। जो भी बच्चों ने इस चैंपियनशिप में भाग लिया था, उन्हें सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया है। आंगनवाड़ी के बच्चों को पढ़ाएंगे सरकारी स्कूल के शिक्षक। इन दिनों शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए कई तरह के कोशिश किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने अब राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को यह आदेश दिया है कि अब वे जरूरत पड़ने पर आंगनबाड़ी के बच्चों को भी पढ़ाएंगे। मालूम हो कि इस संबंध में के पाठक के द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को नजदीक के स्कूल से शीघ्र टैग करें, ताकि आवश्यकता अनुसार वे शिक्षक टैग वाले केंद्रों के बच्चों को सप्ताह में 1-2 दिन पढ़ा सके। बता दें के पाठक की ओर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह काम जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि जरूरत के अनुसार स्कूलों में ही आंगनबाड़ी केंद्रों को 1 या 2 कमरे उपलब्ध करवाए जाएंगे। कटिहार फायरिंग पर पुलिस मुख्यालय ने डीएम एसपी से मांगी विस्तृत रिपोर्ट। कटिहार जिले में हुई फायरिंग को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा कटिहार के डीएम और एसपी से इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। उन्होंने बताया कि कटिहार के बारसोई मामले में 26 वर्षीय सोनू शाह और 30 वर्षीय मोहम्मद खुर्शीद के मौत की जानकारी मिली है। उनका पोस्टमार्टम दंडाधिकारी की मौजूदगी में करवाया गया है। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी हुई है। उन्होंने बताया कि मोहम्मद खुर्शीद का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है और जख्मी न्याज का
का पलना पोखर मेला चल रहा है। एडीजी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भीड़ के हमले में एक डीएसपी, 6 पुरुष अवर निरीक्षक, 1 महिला अवर निरीक्षक व 3 सिपाही समेत 9 पुलिसकर्मी, सहायक अभियंता समेत 6 विद्युत कर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इन सबके अलावा दर्जनों पुलिसकर्मियों को हल्की चोट लगी है। हालांकि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। कटिहार गोलीकांड की जांच करेगी कांग्रेस। बिहार के कटिहार में लोगों के द्वारा बिजली की मांग किए जाने पर उन पर गोली चलाए जाने के कारण 2 लोगों की मौत हो चुकी है तो वहीं 1 घायल है। ऐसे में इस घटना को लेकर अब बिहार पुलिस के ऊपर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। इन्हीं सब के बीच अब कांग्रेस के द्वारा 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल बनाए गए हैं जो कटिहार जाने वाले हैं, जहां वे पीड़ित परिजनों से मिलेंगे और इस घटना की पूरी जांच करेंगे। बता दें कि इस बात की जानकारी कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद के द्वारा दी गई है। उन्होंने कहा कि हम सरकार का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए यह जांचना भी महत्वपूर्ण है कि क्या जिला प्रशासन और उपमंडल प्रशासन ऐसी गलती करता है। केके पाठक ने विभाग के अधिकारियों को दिया नया आदेश। शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी जब से केके पाठक के हाथों में आई है, तब से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में कई काम किए जा रहे हैं ताकि इसे सुदृढ़ बनाया जा सके। बता दें किसी कड़ी में केके पाठक के द्वारा विभाग के अधिकारियों को नया आदेश दिया गया है, जिसके तहत अब विभाग का कोई भी अधिकारी कार्यालय कक्ष में 8 घंटा व्यतीत नहीं करेंगे। वे अब अपना समय कार्यालय में केवल 4 घंटा देंगे, जबकि 4 घंटा फील्ड में रहकर विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे। बता दें केके पाठक के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय का निरीक्षण भी किया गया, जहां उन्होंने कर्मियों और विद्यालयी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। वहीं उन्होंने विद्यालयों में अभी भी छात्रों की उपस्थिति कम रहने पर चिंता जताई। 6 अगस्त से जेडीयू शुरू करेगी पिछड़ों को साधने की तैयारी। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में पिछड़ों को साधने के लिए 6 अगस्त से 24 अगस्त तक जेडीयू की ओर से पूरे बिहार में प्रखंड स्तर पर कर्पूरी चर्चा का आयोजन करने वाली है। बता दें कि इस कार्यक्रम को लेकर जेडीयू के द्वारा अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में 5 टीम तैयार की गई है, जिसमें सांसद, विधायक और अति पिछड़ा से जुड़े हुए पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। ये सभी 9 प्रमंडल में काम करेंगे। मालूम हो कि पार्टी कार्यालय का पोस्टर बदलकर कर्पूरी चर्चा और ग्राम संसद सद्भाव की बात का नया पोस्टर लगा दिया गया है। बता दें कि पहली टीम तिरहुत और सारण में काम करेगी, वहीं दूसरी टीम दरभंगा, कोसी और पूर्णिया प्रखंड स्तर पर काम करेगी, तीसरी टीम भागलपुर, मुंगेर प्रमंडल, चौथी टीम मगध क्षेत्र में काम करेगी और पांचवी टीम पटना में काम करेगी। बिहार के पूर्व विधायक महेंद्र झा आजाद का निधन, सीएम नीतीश ने जताया शोक। लंबे समय से बीमार चल रहे दरभंगा के घनश्यामपुर और बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक महेंद्र झा आजाद का 98 साल की उम्र में गुरुवार की देर रात को उनके पैतृक गांव महिना में निधन हो गया। ऐसे में उनके निधन से पूरे दरभंगा जिले में शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं उनके निधन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा भी गहरी शोक संवेदना व्यक्त की गई है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पूर्व विधायक महेंद्र नारायण झा आजाद जी का निधन दुखद। वे एक कुशल राजनेता एवं समाज सेवी थे। उनके निधन से राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति हुई है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उन्होंने 1980 से 1985 तक घनश्यामपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इसके बाद 1985 से 1990 और 1990 से 95 तक बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे और साथ ही 1975 से लेकर 85 तक लगातार 3 बार जिला परिषद के अध्यक्ष भी रहे। वे कई बार महीनाम पंचायत के मुखिया भी रहे। बिहार को मिड डे मील के लिए केंद्र से नहीं मिले 2,000 करोड़ रुपए। चालू वित्त वर्ष 2023-24 के 4 माह खत्म होने वाले हैं, लेकिन अब तक मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को लेकर केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली 2,000 करोड़ रुपए की राशि बिहार को नहीं मिल पाई है। मालूम हो कि अभी बिहार में पिछले वर्ष की राशि से काम किया जा रहा। ऐसे में अब अगर 1 माह में केंद्र की ओर से राशि नहीं मिली तो राज्य पर वित्तीय भार बढ़ जा सकता है। बता दें केंद्र को यह राशि वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही में 500 करोड़ किस्त में देने थे, जिसके हिसाब से पहली किस्त अब तक मिल जानी थी। हालांकि केंद्र की ओर से इस देरी को लेकर तकनीकी कारण को बताया गया। उन्होंने बताया कि अगर आपके खाते में 250 करोड़ से अधिक की राशि है तो अगली राशि तभी मिलेगी जब आप इस राशि को खर्च कर लेंगे या खाते में 250 करोड़ रुपए से कम राशि होगी। सरकार ने दिया देश में MBBS सीटों का लेटेस्ट ब्यौरा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार के द्वारा लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए जानकारी दिया गया कि पूरे देश के 704 मेडिकल कॉलेजों में MBBS की 1,07,948 सीटें हैं। इनमें से 56,283 सीटें सरकारी मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध है तो वहीं बाकी बचे 51,665 सीटें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में है। बता दें कि उनके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2014 में पूरे देश भर में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 थी और इनमें कुल सीटें
51,348 थी। ऐसे में अब 2014 की तुलना में मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 82% की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी कि नीट पीजी में वर्ष 2014 में जहां 31,185 सीटें थी, तो वहीं अब यह सीट बढ़कर 67,802 हो गई है। वहीं अगर हम बिहार राज्य की बात करें तो बिहार में कुल 21 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें 13 सरकारी तो वहीं 8 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। इन कॉलेजों में कुल 2,565 सीटें हैं। ललन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के द्वारा अपने ट्विटर हैंडल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो शेयर करते हुए उन पर हमला बोला गया है। उन्होंने वीडियो शेयर कर कैप्शन में तंज कसते हुए लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, देश की जनता को कब तक गारंटी के जुमले की घुट्टी पिलाते रहेंगे? देश की जनता की भावनाओं को भड़काकर वोट पाने का जुगाड़ कब तक करते रहेंगे? याद कीजिए, 2014 के चुनाव में आपने कहा था कि विदेशों से काला धन वापस लाएंगे, सभी गरीबों के खाते में 15-20 लाख रुपए भेजेंगे। क्या हुआ उस वादे का? काला धन वापस लाना तो छोड़िए, आपके शासन में माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जैसे भ्रष्टाचारी आपके संरक्षण में हजारों करोड़ रुपए लेकर विदेश भाग गए। अरे अब जुमले की घुट्टी पिलाने के बदले जनता को यह बताइए कि 9 साल में आपने महंगाई और बेरोजगारी दूर करने के लिए किया ही क्या है। मुंबई में इस दिन होगी INDIA गठबंधन की अगली बैठक। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के खिलाफ विपक्षी पार्टियों ने गोलबंद होकर एक नया गठबंधन बनाया है, जिसका नाम INDIA रखा गया है। बता दें कि इस गठबंधन की 2 बैठक बिहार के राजधानी पटना और बेंगलुरु में सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है। वहीं अब इसकी 3री बैठक मुंबई में होने वाली है। बता दें कि मुंबई में होने वाली यह बैठक 25 और 26 अगस्त को होगी, जिसमें INDIA के सभी दल शामिल होंगे। मालूम हो कि गठबंधन का INDIA नामकरण होने के बाद यह उनकी पहली बैठक होगी। मिले जानकारी के अनुसार मुंबई में होने वाली इस बैठक में विभिन्न दलों के बीच कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया जाएगा और साथ ही सीट के बंटवारों पर भी बातचीत हो सकती है। इन सब के अलावा क्षेत्रीय दलों की चुनौतियों और मजबूतियों पर भी चर्चा की जाएगी। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले ODI की जीत के हैं ये 5 हीरो। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार गेंदबाजी और बल्लेबाजी करते हुए वनडे सीरीज के पहले मैच को अपने नाम कर लिया। बता दें कि भारत ने इस सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। मालूम हो कि टॉस जीतकर वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और 114 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। बता दें कि वनडे सीरीज के पहले मैच में भारतीय टीम के 5 खिलाड़ी जीत के हीरो बने, जिनमें कुलदीप यादव, जिन्होंने भारत की महत्वपूर्ण 4 विकेट दिलाए और साथ ही 3 ओवर में सिर्फ 6 रन दिए और 2 मिडन ओवर डाले। वहीं दूसरे नंबर पर रविंद्र जडेजा रहे, जिन्होंने 3 विकेट चटकाए। तीसरे नंबर पर बिहार के लाल मुकेश कुमार रहे, जिन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे में अपने करियर का डेब्यू किया और पहले मैच में 5 ओवर में 22 रन देकर 1 मिडन और 1 विकेट चटकाए। चौथे नंबर पर भी बिहार के ईशान किशन रहे, जिन्होंने अपनी बल्लेबाजी से वेस्टइंडीज के खिलाफ 46 गेंदों में 7 चौके और 1 छक्के की मदद से 52 रन बनाते हुए अर्धशतक जड़ा। वहीं 5वें नंबर पर विराट कोहली रहे, जिन्होंने दाहिनी ओवर ड्राइव लगाकर एक हाथ से गजब का कैच पकड़ते हुए सफर को बिना खाता खोले हुए पवेलियन पहुंचा दिया। बीते दिन हमारे पूछे सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे पूछे सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, उमेश सिसदेव, नुन्नू गोलू कुमार, कृष्णा पटेल, मुटू रंगीला, भान प्रकाश मौर्य, रवि कुमार राम, विनीत चौहान, बाबूलाल मरांडी, मोहम्मद अफजल मंसूरी, सदुल्लाह पलवी, गुनर शर्मा, मनोज कुमार, राजकिशोर महतो, अनवर करीम खान। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में मिड डे मील की गुणवत्ता कैसी है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।